या कुंदे दुतुसार हार धवला, या शुभ्र वस्त्र वृतम, या वीणा वरदंड मंडित करा, या से पद्मासन, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभतिभिर् देवै सदा वन्दितां, सां पातु सरस्वती भगवती निशेष जगत् लोका राजीव नेत्र रघुवंशनाथ कारुण्य रूपम करुणाकरं श्रीराम चंद्रम शरणम् पद्ये, मनोजवम मानवतुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां बलिष्ठम्, श्रीरामचंद्र शरणम् पद्मपति। बोलिए हनुमान जी महाराज की, श्री महाकाल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् रामचरित महापुराण की जय, श्री गोस्वामी जी महाराज की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, आचार्य देव भगवान की, सर्वविप्र समाज की, सारे संत समाज की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। आइए श्री राम कथा के इस अनुष्ठान में आप हम सब अपने मानव जीवन की सुंदर घड़ियां परमात्मा के चरित्र के साथ सुंदर सुखद सानंद आनंदमय बनाने जा रहे हैं। दो मिनट हरी राम कीर्तन करके थोड़ा मन बुद्धि को पवित्र करें,
श्रद्धा से और भाव राजा श्रद्धा और भाव से गाओ और ताली भी मरिया मन से मत बजाओ, खुला हाथ से बजाओ, दिल से बजाओ, शरीर को चेतन करो पहले, डीला डीला मत बैठो, ऐसा मत बैठो यार मामरो फिर आके निमट गया ना मेरे ओठा की बात ना करे, थोड़ा कमचा होशियार खबरदार कथा हो रही है राम कथा।
प्रातस्मरणीय राम राघविंद्र सरकार के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आदि शक्ति जगत जननी राजरानी माता श्री श्री जानकी जी के चरणों में शत नमन, अनंत बलवंत श्री हनुमंत बाबा के चरणों में शब्द रूपी समन समर्पित करते हुए हमारे यज्ञ अनुष्ठान के आचार्य देव समस्त वर्णित ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम, पधारे हुए साधु संतों को नमन, आगंतुक बंधुओं आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन, भक्तिमयी माता बहनों आप सबको प्रणाम, मंचासीन सभी विद्वज्जन सभी कलाकार, कथा पांडाल के आसपास जो भी गुप्त प्रत्यक्ष रूप से शक्तियां निवास करती है सभी का श्री राम कथा में सादर आमंत्रण प्रणाम। आप सभी महानुभावों को करवत निवेदन, कथा में हरि नाम कीर्तन, प्रभु नाम की जय जयकार, नारायण हरि आपको बोलना ही पड़ेगा, हरि बोल। आज हम भगवान श्री गोस्वामी जी महाराज के अमृतमय वाणी के द्वारा श्री राम कथा में थोड़ी धनुष यज्ञ की यात्रा करेंगे जनकपुरी की। और इस संवाद को हम यहां से आज थोड़ा प्रारंभ करना चाह रहे हैं वाटिका से। सुबह का सूर्य उदय हुआ, श्री राम लखन ब्रह्ममुहूर्त में स्नान करके अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर गुरुदेव की समस्त व्यवस्था और सेवा देखते हुए आदेश मिला राम को, लक्ष्मण जाओ भैया पूजा के फूल ले आओ। भगवान श्री राम और लखन गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प लेने के लिए जनक जी की पुष्प वाटिका में पधार रहे हैं। भगवान उस भूमि का भी धन्यवाद है, ध्यान देना, जिस भूमि में ये बगीचा लगा है, जिस बगीचे में राम जी जा रहे हैं। भूमि का भी कोई पुण्य होता है, मनक से तो फिर वो पत्थर ठीक है, पत्थर का भी भाग बदल जाता है तो मूर्ति बन जाता है, भगवान बनकर सिंहासन पर विराजमान हो जाता है, भाग्य की बात है। और मुझे तो लगता है इस वाटिका में जितने वो पुष्प हैं, पौधे हैं, लताएं हैं, और उसमें जितने पशु पक्षी रह रहे हैं सब आज बहुत बलभागी हैं, जिनके आराम पधार रहे हैं। वरना तो ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी योगी तपी साधु सन्यासी लोग तो एक जन्म जन्म बीत जाते हैं महाराज, लेकिन राम दर्शन नहीं हो पाता है। आज राम स्वयं उनके यहाँ जा रहे हैं। वो कितने तपस्यावान लोग होंगे, पशु पक्षी के रूप में उन्होंने कितना हो किया होगा जो आज भगवान उनके यहाँ पहुंच रहे, वाटिका में जा रहे हैं, बगीचे में जा रहे हैं। फूल की भी एक तपस्या होती है, गेंदे का पुष्प इसकी भी कोई तपस्या है, हमारा सदगुरु के चरणों में पहुंचता है, श्रीमद् भागवत महापुराण पर पहुंचता है, ज्ञानी संतों के कंठ की शोभा को बढ़ाता है, श्री राम राघवेंद्र सरकार के कंठ में भुजाओं में भुजबंद में मणिबंध में कटिबंद में पुष्प जो है अपना स्थान प्राप्त कर रहा है, उसने जरूर कोई अच्छा कर्म किया है। अगला हम उसको बलिहारी देता हूं।
एक पुष्प वो हमारी भारत देश का नौजवान सीमा पर जाता है अपनी छाती चौड़ी करके, हैं देश धर्म के लिए देश की रक्षा करने के लिए जब कदम आगे बढ़ाता है उस समय पुष्प की बारिश होती है। एक फूल वो है जो कितना भाग्यशाली है जो उस सैनिक के पथ पे बिछा हुआ है और उसका स्वागत कर रहा है। उसकी बलिहारी कितना पुण्य किया होगा उसने जो उसके पथ पर उसके मार्ग पर बिछा हुआ है बेटा। जगह भी गणी कीमती होती है, हो पुण्यात्मा जगह होती है। शंकर भगवान ने तो एक बार शंकर और पार्वती दोनों जा रहे थे तो चलते चलते शंकर भगवान ने बियाबान जंगल आया और उस बियाबान जंगल में शंकर भगवान ने रुक कर और उस स्थान को प्रणाम किया जगह को। तो उमा ने पूछ लिया कि भोलेनाथ यहाँ तो मंदिर भी नहीं है, यहाँ कोई देव द्वार नहीं है और यहाँ कुछ नहीं, आपने प्रणाम किया। बोले देवी यहाँ 100 वर्ष पहले श्रीमद् भागवत कथा हो चुकी है, ये वो स्थान। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी आर्यावर्त की परंपरा तो देखो कि एक बार जहां श्रीमद् भागवत कथा हो गई है, राम कथा हो गई है, कृष्ण कथा, शिव कथा हो गई है, वो जगह 100 वर्ष पर्यंत तक भी तीर्थ बनकर बैठी है जहां भोले जैसा महाप्रभु प्रणाम कर रहा है। उसको क्या मानते हैं प्रणाम करता। हम आप आते हो कथा में तो प्रणाम करते ना, माताओं को प्रणाम, आपको सबको करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि कलिकाल में आप कथा सुनने आए हो, आपने बहुत बड़ा आगे अच्छा सा पुण्य किया है, प्रबल पुण्य है आपका जो कथा में विराजमान हो, इसलिए हम आपका दर्शन करके राम गुण गाएं, हमारा भी जीवन धन्य हो जाए। बलिहारी है नाम की। बगीचा आज पावन हो रहा है। हरी बोल। बगीचा पावन हो रहा है आज। और राम जी जैसे वाटिका के द्वार पर पहुंचे तो लक्ष्मण जी भीतर जाने लगे। लक्ष्मण जी उनके उतावड़ गणी, उन्हें जाकर जा फूल तोड़ना अने ले जाके गुरु जी की सेवा में पहुंचो, ज्यादा से ज्यादा समय सेवा में बीते गुरु जी की, इसलिए बाहर बेकार का समय नहीं बिताना है, इसलिए जल्दी से वाटिका का द्वार खोलने लगे लक्ष्मण और प्रवेश के लिए तो राम जी ने रोक दिया। लक्ष्मण रुक जा, द्वार मत खोल। क्यों? हम तो पूजा के फूल लेने आए हैं, फिर द्वार क्यों नहीं खोलो? अंदर चले वाटिका में, समय हो रहा है, अविलंब पूर्ण शरणागति पूर्ण समर्पण के साथ गुरु की सेवा, गुरु की भक्ति, गुरु की आज्ञा का पालन, इसका नाम है लक्ष्मण। राम जी कहते हैं सुनो, बगीचे में प्रवेश भी करेंगे, कुछ भी लेंगे, परंतु बगीचे के जो रक्षक लोग हैं, पालक लोग हैं, संरक्षण करने वाले लोग हैं, पहले उनसे आज्ञा लेंगे। बोलो नारायण। मर्यादा का ख्याल कर रहे हैं भगवान राम हर जगह। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज एक निवेदन करूं। बोले हाँ बोलो बोलो बोलो। क्या अपन जेका घरे पावना आया उनका ही बगीचा में जावा सारे, उनसे ही पूछनी पड़ेगी, अपने माली वर से पूछनी पड़ेगी? अपन तो उनका मालिक का घरे आया पावना, मालियों के और इस वाटिका के जो मालिक है, स्वामी है, हम उनके यहां मेहमान आए हैं, इसमें क्या पूछना?
राम जी कह रहे लक्ष्मण तुम्हारी बात ठीक है, परंतु एक बात ध्यान देना, बगीचा जरूर जनक जी का है पर उसको इस योग्य बनाने वाले माली लोग हैं, मालियों से अनुमति ली जाए। इतने में माली लोग दौड़ पड़े महाराज, अरे ये तो वो दो राजकुमार हैं जिन्होंने कल सारे नगर को धन्य कर दिया दर्शन देकर, आज हमें हमारे बगीचे के निकट हमारे पास शांताय सुख में परम स्वतंत्रता में हमें दर्शन का अवसर मिला है, दौड़ो भैया आनंद लो। माली लोग दौड़ पड़े, राम जी कह रहे भैया हमें अनुमति दो हम बगीचे में जाएं, गुरु जी की पूजा के फूल लेने आए हैं। माली लोग कह रहे खमागनी अरे आप तो विराजो महाराज, हम आपका दर्शन करें नैनानंद लूटे, मिठी मिठी वाणी समय कानों को धन्य करें जीवन को धन्य करें, फूल हम लाएंगे माला हम बनाएंगे गजरा हम बनाएंगे सारी व्यवस्था हम करेंगे, आप तो केवल विराजमान हो जाओ। राम जी कहते भैया अब तुमने हमें देख लिया, हम अब जा रहे हैं गुरु की सेवा के लिए पुष्प लेने, तुम क्या चाहते हो क्यों बिठा रहे हो? माली लोग कह रहे हैं सुनिए निगाहें मिला नेको जी चाहता है, प्रभु आपके हमने सुना है तेरी नजरें कर्म से कौन खाली है जमाने में, गदा भी शाह बन जाता तेरी चुटकी बजाने में, हमने ये भी सुना है तेरी दृष्टि में बड़ा आनंद है और एक बार जिसकी नजर आपकी नजर से मिल गई महाराज धन्य हो जाता है, इसलिए निगाहें मिला नेको जी चाहता है। अगर कोई कहे कि ये फिल्मी गीत है तो वो उसकी सोच है, मेरी दृष्टि कुछ और है, मेरा नजरिया कुछ और है, मैं जिस नजर से जिस भाव से इन पंक्तियों को पढ़ रहा हूं ये मेरा एक समर्पण और एक अलौकिक और एक आनंदमय की चर्चा है। निगाहें मिला जी चाहता और क्या चाहिए हमें, लौकिक सुखानुभूति में जीवन बीता हमारा और एक बार नहीं कितने बार जन्म लिया कितने बार मर गए मस्तान में चले गए नौ नौ महीने तक तो माँ के गर्भ में झूलते रहे, एक अभिलाषा अब बनी हमारी मानव जीवन में, कौन सी अभिलाषा? प्रभु आपकी नजर से नजर मिले और हमारा जीवन धन्य हो जाए। पास बैठ जाने को जी चाहता है, पास बैठ जाने को जी चाहता है।
बेटा मेको जी बहुत समर्पण किया हमने दुनिया के लिए, लुट गए, मिट गए, बिक गए, सब कुछ हो गया। अब हमें अस्तित्व मिल गया है। अब आपके सामने समर्पण को जी चाह रहा है ताकि हमारा समर्पण सार्थक हो जाए। दिलो जान चा देखो जी द्वार खोला गया। श्री राम राघवेंद्र सरकार गोरे ठाकुर श्री लखनलाल प्रभु वाटिका में प्रवेश किया और जैसे वाटिका में राम जी ने प्रवेश किया और पूरा बगीचा भगवान का और लक्ष्मण जी का स्वागत करने लगा। देख लो प्रकृति भी प्रभु का स्वागत कर रही है और वह किस प्रकार से हो रहा है। थोड़ी हवा चली और बड़े बड़े फूल की पखड़ियां झड़ने लगी और मार्ग में बिछने लगी। प्रकृति स्वयं व्यवस्था कर रही है प्रभु के पधार। पखड़ियां झड़ने लगी, मार्ग में बिछने लगी, कोयल गाने लगी, दादूर गाने लगी, मोर नाचने लगा, पपैया बोलने लगा, कलियां खिल गई, मानो फलों की डालियां झुक झुक कर जुहार कर रही है, खमा खमा खमा, पधारो 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 पधारो, पूरा बगीचा स्वागत कर। कुछ कलियां सुबह खिल गई थी उस बगीचे में, अब कोई कली नहीं रही, सब पुष्प बन गए। कुछ कलियां तो सुबह खिल गई थी, सुबह को सूर्य को देखकर कलियां खिल गई थी, लेकिन कुछ कलियां अभी खिली नहीं थी और राम रूपी सूर्य को देखकर पूरा बगीचा खिल गया, पूरा बगीचा। और मानो कह रहा है तमारा आज अइयां पगला ठवाना, हाय हाय हाय, तमारा आज अइयां, ये गुजराती भाषा में है गुरुजी ने कहा और मैंने उनका सुना। शायद मैं तो ऐसा बोल नहीं पाऊंगा, टूटा फूटा बोलूंगा, पर मेरा भाव है इसलिए बोलू। तमारा आज अइयां पगला ठवाना, चमन ने बधाने खबर छई गई छे, सांची कहूं प्रभु या वातावरण पे आपकी नजर की असर छई गई से, सारे बगीचे पर तुम्हारी कृपा रूपी नजर का असर हो गया है। जो बगी फलों की डालियां झुक झुक कर जुहार कर रही है, कलियां खिल गई है, बड़े बड़े फूल की पखड़ियां झड़कर मार्ग में बिछ रही है, मंद मंद भीनी भीनी ठंडी ठंडी हवा में सुगंध भरी हवा चल रही है, प्रभु का स्वागत हो रहा है बगीचे में, पधारो पधारो, सुनी जो उनके आने की आहट, आए हाय हाय हाय। गरीब खाना सजाया हमने, सुनी जो उनके आने की आहट, सुनी जो उनके आने की आहट, गरीब खाना सजाया, चरण
चरण की आहट पता लग गई, चरण की आहट पता उसको लग जाए, वो आएगा कि नहीं आएगा खबर नहीं, पर उसके चरणों की आहट पता लग जाती है। किसको? गुरु मुखी को, भजनानंदी को, ज्ञानी को, निर्विकारी को, विरक्त को, जिसका मन एक बार परमात्मा में लग गया हो, जिसका मन गुरु कृपा से भक्ति के मार्ग पर, भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उस आनंद मूर्ति परमात्मा में जिसका मन टिक गया हो, उसको खबर लग जाती है, उसके चरणों की आहट उसके कान पर आ जाती है कि प्रभु आ रहा है, मेरा गोविंद आ रहा है, मेरे राम आ रहे हैं। पूरा बगीचा स्वागत कर रहा है। और एक बहुत बढ़िया आनंद की बात यहाँ महात्मा लोग कह रहे हैं, और वो ये है कि राम जी को बगीचे में आता देखा, प्रवेश, एक मोर आ गया दौड़ के, एक मोर दौड़ कर आया और प्रभु के आगे नाचने लगा। मोर ने भी सोच लिया कि आज जन्म सफल कर लो, ये मौका अब फिर बाद में मिलने वाला नहीं। राम आए हैं, गौरी ठाकुर आए हैं, और ये शरीर क्या काम आएगा, आज मैं इस शरीर को थोड़ा, जिसका शरीर है उसकी सेवा में थोड़ा समर्पित तो करूं महाराज। मोर राम जी के सामने आ गया और नाचने लगा। मोर नाचे हो चकोर नाचे, अरे बाटिका में देखो जी मोर नाचे, देखो जी मोर नाचे, मोर नाचे हो चकोर नाचे, मोर नाचे हो चकोर नाचे, वाटिका में देखो जी मोर नाचे, अरे बोल सामने नाच रहा है और मनुष्य माया के सामने नाच रहा है, बोलो नारायण हरि। मोर नाचे हो चकोर नाचे, मोर नाचे हो चकोर नाचे, वाटिका में देखो जी मोर पपीहा।
के रूप में पहचान लिया है। बोलो नारायण हरि, जान लिया है, पहचान लिया है, अनुभव कर लिया है, बगीचा जान गया है, देख लो। और कल की कथा में आपने सुना वो जनक जी नहीं जान सके, जनक नहीं पहचान सके कि ये कौन है। और महात्मा ने तो यहां तक कहा, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई, और विधि हरि हर सुर सिद्ध घनेरा, कोई नहीं जाने मरम प्रभु केरा। और लक्ष्मण ये मरम न जाना, और जो कछु चरित्र रचा भगवाना, कोई नहीं जान सका वो मोर जान गया। बोलो नारायण हरि। ने अपन रोरिया बापे जन्म रियार मरियार मसान में जरिया पर बस माया के आगे नाच रिया, माया पति के आगे नाचने का प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि हमने उसको अभी तक पहचाना ही नहीं। वारे मोर। और फिर योगी ही जानता है परमात्मा को, भोगी क्या जाने। ये भी बात बहुत बढ़िया है। भोगी परमात्मा को क्या जानेगा, जिसका जीवन भोग प्रधान,
खाना पीना सोना जगना औलाद पैदा करना मकान जमीन जायदाद लौकिक सुखों में जिसका जीवन पूर्ण होता चला जा रहा है वो परमात्मा तत्व को क्या जाने, वो तो योगी जाने, वचनानंदी जाने। मेरे बहन भाई, मोर योगी है, मोर योगी माना गया। और मैंने महात्माओं से सुना है शरीर से कभी मोर काम भोगता ही नहीं, ऐसा मैंने सुना, इसलिए योगी है। और इसलिए श्री कृष्ण उसके पंख को माथे पर मुकुट बनाकर धारण करते हैं, ये गोविंद की लीला है। सुंदर सुंदर गेंदे के फूल तोड़े लक्ष्मण जी ने, बढ़िया बढ़िया दो भुजबंद बनाए जो भगवान की भुजाओं में बांधे, सुंदर गेंदे के फूल तोड़कर दो मणिबंध बांधे भगवान की मणि में, मणिबंध में एक सुंदर हार बनाया प्रभु के गले में धारण किया है लक्ष्मण जी ने। बढ़िया बढ़िया फूलों से भगवान को लक्ष्मण सजाने लगे, बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, धनघड़ी धनबाग उन फूलों के, जिस डाली को छू रहा है एक वैरागी महापुरुष लक्ष्मण और राम जी को सजाया जा रहा है। बगीचे में लक्ष्मण ने यह काम शुरू कर दिया, फूल तोड़ते हैं, अच्छे अच्छे पुष्पों को लाते हैं और भगवान को सजा रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं भगवान का लक्ष्मण जी। राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण ये क्या हो गया तुझे? बोले कुछ नहीं हुआ भैया, जो मुझे करना चाहिए वही मैं कर रहा हूं। आप मेरे ठाकुर हो, मैं आपका पुजारी, और पुजारी का धर्म है कि अपने ठाकुर जी को बढ़िया श्रृंगार करके रखे, अच्छा श्रृंगार करे ठाकुर जी का, पुजारी का धर्म है, बिल्कुल ठीक। इसलिए मैं आपको श्रृंगारित कर रहा हूं, सजा रहा हूं, और व्यवस्था मिल गई ना, ये फूल वगैरह सारी व्यवस्था अच्छी मिल गई ना, इसलिए मैं आपको सजाऊं, मुझे मन लग रहा है, मैं पुजारी हूं, मेरा काम है आपको सजाना। राम ने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है, पर पुजारी का काम है राम जी को सजाना श्रृंगार करना, मैं मानता हूं, पर भगवान को कब सजाया जाए, कब श्रृंगार किया जाए, जब लोग दर्शन करने वाले आमे, उस समय श्रृंगार करो। और यहां बगीचे में तो तू और मैं, हम दोनों, और दोनों भी फूल तोड़ने आए हैं, फूल लेने आए, पुष्प लेने आए हैं, यहां कौन दर्शन करने आ रहा है और तू क्यों जबरदस्ती समय बर्बाद कर रहा है और मुझे सजा रहा है? तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु मारी मत सुनो, पर गोस्वामी जी की तो सुनो, वो क्या कह रहे हैं, और देखो ते ही अवसर सीता तनाई, ते ही अवसर सीता तनाई, गिरिजा जननी पठाई, गिरिया पूजन ते ही अवसर सीता, गिरिया पूजन जननी पठाई। Thank you.
उसी समय प्रांबा भगवती जनकन्या जानकी जी अपनी माँ से आज्ञा लेकर और वाटिका में आती हैं, उमा का पूजन करने, गिरजा का पूजन करने आती हैं। कुंवारी बेटियां करती हैं ना उमा का पूजन, आई है। लेकिन सुंदर बात यह है कि आप अकेली नहीं हैं। संग सखी सब सुगर सयान, संग सखी सब संग सखी सब सुगर सयान, गावहिं गीत मनोहर बाणी, गावहिं गीत सखियां। और बाबा जी लिख रहे हैं संग सखी सब सुघड़ सयानी। वारी जाऊं बाबा जी भी कितना आनंद दे रहे हैं, संग में जो होना चाहिए वो हमारे संग में कैसे होना चाहिए, सुघड़ सयाने सखी, संग सखी सुघड़ और सयानी, ये तीन शब्द बड़े अनमोल हैं, बड़े अद्भुत शब्द हैं ये। सखी सखी सखी, चलो मैं अपनी छोटी सी बुद्धि के अनुसार सखी की व्याख्या करूं। पहले सखी किसको कहा गया, ये किसी महिला के ऊपर पूरा वो नहीं हो रहा है या किसी नारी के ऊपर ये पूरा अर्थ नहीं पहुंच रहा है इस शब्द का। सखी तो उसको कहा गया, सखी पुरुष है कोई, सखी पुरुष दानी दयावान, दानी दान श्रोमणी, दयावान श्रेष्ठ श्रीदान सुबल, उसको सखी पुरुष कहा गया। दयावान पुरुष सखी पुरुष, पहले एक जमाना निकल गया जब गांव में कोई संत आते थे ना तो वो गांव में बाजार में घूमते थे और कहते थे हे कोई सखी पुरुष, जो इस महात्मा की मनोकामना इसका संकल्प पूरा करे, ऐसे संकल्प लेके आते थे महात्मा लोग गांव में और फिर वो नगर में घूमते थे और कहते थे कि ऐसा कोई सखी पुरुष है जो इस बाबा जी का संकल्प पूरा करे तो ऐसा कोई दयावान धैर्यवान धर्मात्मा सखी पुरुष सामने आता था और कहता महाराज ये शिष्य आपका सेवक आपका आपके चरणों में समर्पित है, हुक्म करिए आदेश दीजिए आज्ञा दीजिए क्या सेवा करूं मैं आपकी, उसको सखी पुरुष कहा गया। दूसरा शब्द यहां है सुगढ़ सुगढ़, ये तो आप भी जानते हैं गढ़ा और अनगढ़ा। गड़ा किसे कहते हैं, सुगढ़ किसे कहते हैं, अनगढ़ किसे कहते हैं। गड़ा हुआ वो है जिसको सदगुरु से नाम मिला है आदेश,
जिसको सदगुरु से नाम मिला है वो सुख है, जिसने गुरु मुखी हो गया, गुरु ज्ञान जिसको मिल गया वो सुख है। और मेरे जैसा अनविज्ञ अनपढ़ जिसको कोई संत नहीं जीवन में मिले उसको अनगढ़ कहा गया। बोलो नारायण हरि, अनगढ़ कहा। इसलिए अखंडानंद जी महाराज कह रहे हैं, सुन लो चतुर सुजान, अरे नुकरा नहीं रे, सुन लो चतुर सुजान, नुकरा नहीं रे, सुन लो चतुर सुजान, सीता क्या है भक्ति, राधा क्या है भक्ति, और सीता जी के साथ रहना है, रहोगे तो राम मिलेंगे, राधा जी के साथ रहोगे तो श्याम मिलेंगे। बोलो नारायण हरि। और अगर सीता के साथ और राधा जी के ही साथ रहना है तो सुगढ़ बनो, अनगढ़ मत बनो, गुरुमुखी बनो। ढूंढ लो किसी संत सदगुरु को, किसी ज्ञानी गुरु की तलाश कर लो मेरे बहन भाई, और नाम ले लो और नाम की कमाई करो। और गुरु है ना, कोई शरीर किसी का गुरु नहीं होता, ध्यान देना। हमारे यहां तो कहा है गुरु परमात्मा, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। सारे जगत का गुरु है मेरा गोविंद, और उस गोविंद का नाम जो शरीर हमें दे वो उसका माध्यम बन जाता है। नारायण हरि। गुरु ने गोविंद एक वर्ण है, कोई भेद नहीं है, गुरु ही गोविंद है, गोविंद ही गुरु है। तो सुगढ़ बनो, सुगढ़ का मतलब है गुरुमुखी। और तीसरा नंबर आ रहा है सखी सुगढ़ और सयानी, सयाना सियाना, सयाना का मतलब समझते हो, जिसकी आधी उम्र ढल चुकी हो,
वो आदमी सियाणो बने उन्हीं क्या सियाणो आड़े आड़े रुपया एडे जेब में से आड़े आड़े बागरा कूद के लोग देने का संतरा तोड़ डाले उन्हीं सियाणो नहीं के है तमारा खेत का मक्या उबेड़िया ना खुद की मेर पे सेके दूसरा का खेत का मक्या अपना खेत की मेर पे सेके कहीं को पूछे को तो खेदांगा अपना ही खेत का है उन्हीं के सियाणो गण सियाणो रे तो गण सियाणो जानो रे जानो तो ब्याणा वाला है सयाना यानी भीगा हुआ अनुभवी जिसको कहते हैं सयाना का मतलब है अनुभवी ज्ञानी जिसने सभी मार्गों पर चलकर जगत का वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर लिया हो उसको अनुभवी कहा गया उसको सयाना क्या जदे ही तो लोग के तुम छोरा और कहीं निहाल करोगा पांच चार जना थोड़ा सयाना मना के बुलाओ थोड़ा पांच चार जना सयाना बनक आवे फिर कहीं को काम आगे बढ़ाओ ही छोरा छा अपने ले चाल दे लो बोलो साहब अरे दो चार जना सयाना भी है उमे के नहीं है सयाना यानी अनुभवी जिसने अनुभव किया हो जिसने पहले से कर चुका हो सयाना सयाना माने पूर्ण ज्ञानी भींगा हुआ जिसकी आधी उम्र ढल गई हो उम्र को भी गणों 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 फर्क पड़े हैं उम्र को भी हाँ अध्यात्म ज्ञान जब उम्र ढलने लगे उस समय अध्यात्म ज्ञान अगर आदमी बोलता है तो उसका अध्यात्म का जो ज्ञान है ना पका हुआ आता है कच्चा नहीं आता और एक 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 कम उम्र का आदमी छोटा सा बालक या थोड़ा सा और कम उम्र का अगर वो ज्ञान बोलता है ना तो लगता है कि यह पाल की केरी है पाल की केरी है पाल दरी केरी है क्योंकि वो केवल नकल कर रहा है सुनकर बोल रहा है और जो सयाना होता है वो अनुभव करके बोलता है उसके जीवन में बीत चुका है वो इन तमाम जगह यात्रा कर चुका है इसलिए वो बोल रहा है वो शाना है सयाना है वो सयाना है समझदार है लोग जो नहीं कहेंगे हाँ जो नहीं कहें पांच चार जना अकलबंद है हमारा काम में भी पांच चार जना अकलबंद आवे जब कहीं को काम होवे कारे जन की अकली बंद है उन्हें कहीं बुलाओ यार